मेरा नाम स्वामी अंतर जगदीश है। यहाँ सोलन शहर से 20 किलोमीटर दूर हमारा एक आश्रम है, ओशो का आश्रम, ओशो सांजिन, जो हम चलाते हैं। यहाँ देश भर से लोग आते हैं और ध्यान करते हैं और रुकते हैं। हमारा आज का जो कॉन्फ्रेंस है वो इस बारे में था कि जो हमारा हेड ऑफिस है पुणे का, वो लोग पिछले 20-25 सालों में इस तरह की नीतियाँ बना रहे हैं जिससे कि एक तो ओशो का कार्य खत्म हो रहा है जो कि धार्मिक आध्यात्मिक आधार पर है, दूसरा कि भारत सरकार को भी करोड़ों अरबों खरबों रुपए का चूना लग रहा है क्योंकि भारत ओशो का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो चोरी छुपे किसी भी भारतीय एजेंसी को बताए बिना बाहर ले जा रहे हैं। ये अरबों 2000 करोड़ से कम की संपत्ति नहीं है, उससे ज़्यादा की है। तीसरा ये है कि हमारा कहना है कि वो एक गुरु की समाधि है, वहाँ पर ओशो की समाधि है, वो धीरे धीरे करके उन्होंने समाधि के साथ छेड़छाड़ की है, शायद वो उस जगह को बेचना चाहते हैं। अभी उन्होंने आश्रम के एक हिस्से को, 2 एकड़ के प्लॉट को बेचने के लिए बजाज फैमिली से एडवांस ले लिया है। हमारा कई बातों में विरोध है लेकिन मुख्य मुद्दे ये हैं कि भारत का आश्रम है, भारत के लिए है, आप कम से कम इसमें नीति बदलिए, इंडियंस को सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट मत दीजिए, आश्रम को मत बेचिए और हमारी मांगों को सुनिए जो हम कहना चाहते हैं। हम गुरु भाई हैं, हम कोई आश्रम के विरोध में नहीं है, हम नीतियों के विरोध में हैं जो पिछले ओशो के देहावसान के बाद, जो कि 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ा, ये लोग रंग दिखाते चले गए अपना, तो उसमें 2-3 विदेशी शामिल हैं और 4-5 इंडियन ट्रस्टीज़, ये 7-8 लोगों का ग्रुप है जो किसी भी तरीके से सही व्यवहार नहीं कर रहा है, ना तो ओशो की विरासत के साथ, ना ओशो के सन्यासियों के साथ, ना ही भारत सरकार के साथ। इन सब बातों को लेकर हमारा विरोध है और हमारा शांतिपूर्ण विरोध है, हमारा लॉजिकल विरोध है। कोई हम सड़क पर आकर हुड़दंग नहीं कर रहे, हम अपनी मांगों का चार्टर उनके सामने रख रहे हैं और पिछले 10 सालों से हम लगातार मेल लेटर भेज रहे हैं पर वो जवाब नहीं देते हैं। कोर्ट में हमने अर्जियां लगाई हुई हैं, अभी मुंबई हाई कोर्ट से हमने केस भी जीता है जिसमें उन्होंने कहा है कि समाधि के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और इस तरह के केसेस हम करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। इसमें मीडिया का, ब्यूरोक्रेट्स का, प्रशासनिक लोगों का और राजनेताओं का सहयोग चाहिए ताकि इस ये बात दुनिया में पहुँच सके कि ओशो की विरासत को बचाया जा सके। हमने एक्चुअली कोर्ट का सहारा लिया हुआ है, हमारी मुख्य लड़ाई कोर्ट में है, लेकिन हम सड़क पर भी 21 मार्च को, आने वाले 21 मार्च को हम देश भर के कुछ कई हज़ार सन्यासी वहाँ पहुँच रहे हैं आश्रम पे और उनसे मांग करेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं जो करते चले जा रहे हैं, इसका कारण बताइए। तो हम अपनी लड़ाई शांतिपूर्वक जो ध्यान और प्रेम ओशो ने सिखाया है करेंगे उसी के, लेकिन हम कानूनी दायरे में करेंगे, मगर हम अपनी मांगे मानना नहीं छोड़ेंगे, जो कि वो गलत कर रहे हैं वो हम आवाज़ उठाना नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम स्वामी अंतर जगदीश है। यहाँ सोलन शहर से 20 किलोमीटर दूर हमारा एक आश्रम है, ओशो का आश्रम, ओशो सांजिन, जो हम चलाते हैं। यहाँ देश भर से लोग आते हैं और ध्यान करते हैं और रुकते हैं। हमारा आज का जो कॉन्फ्रेंस है वो इस बारे में था कि जो हमारा हेड ऑफिस है पुणे का, वो लोग पिछले 20-25 सालों में इस तरह की नीतियाँ बना रहे हैं जिससे कि एक तो ओशो का कार्य खत्म हो रहा है जो कि धार्मिक आध्यात्मिक आधार पर है, दूसरा कि भारत सरकार को भी करोड़ों अरबों खरबों रुपए का चूना लग रहा है क्योंकि भारत ओशो का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है वो चोरी छुपे किसी भी भारतीय एजेंसी को बताए बिना बाहर ले जा रहे हैं। ये अरबों 2000 करोड़ से कम की संपत्ति नहीं है, उससे ज़्यादा की है। तीसरा ये है कि हमारा कहना है कि वो एक गुरु की समाधि है, वहाँ पर ओशो की समाधि है, वो धीरे धीरे करके उन्होंने समाधि के साथ छेड़छाड़ की है, शायद वो उस जगह को बेचना चाहते हैं। अभी उन्होंने आश्रम के एक हिस्से को, 2 एकड़ के प्लॉट को बेचने के लिए बजाज फैमिली से एडवांस ले लिया है। हमारा कई बातों में विरोध है लेकिन मुख्य मुद्दे ये हैं कि भारत का आश्रम है, भारत के लिए है, आप कम से कम इसमें नीति बदलिए, इंडियंस को सेकेंड हैंड ट्रीटमेंट मत दीजिए, आश्रम को मत बेचिए और हमारी मांगों को सुनिए जो हम कहना चाहते हैं। हम गुरु भाई हैं, हम कोई आश्रम के विरोध में नहीं है, हम नीतियों के विरोध में हैं जो पिछले ओशो के देहावसान के बाद, जो कि 1990 में उन्होंने शरीर छोड़ा, ये लोग रंग दिखाते चले गए अपना, तो उसमें 2-3 विदेशी शामिल हैं और 4-5 इंडियन ट्रस्टीज़, ये 7-8 लोगों का ग्रुप है जो किसी भी तरीके से सही व्यवहार नहीं कर रहा है, ना तो ओशो की विरासत के साथ, ना ओशो के सन्यासियों के साथ, ना ही भारत सरकार के साथ। इन सब बातों को लेकर हमारा विरोध है और हमारा शांतिपूर्ण विरोध है, हमारा लॉजिकल विरोध है। कोई हम सड़क पर आकर हुड़दंग नहीं कर रहे, हम अपनी मांगों का चार्टर उनके सामने रख रहे हैं और पिछले 10 सालों से हम लगातार मेल लेटर भेज रहे हैं पर वो जवाब नहीं देते हैं। कोर्ट में हमने अर्जियां लगाई हुई हैं, अभी मुंबई हाई कोर्ट से हमने केस भी जीता है जिसमें उन्होंने कहा है कि समाधि के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए और इस तरह के केसेस हम करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। इसमें मीडिया का, ब्यूरोक्रेट्स का, प्रशासनिक लोगों का और राजनेताओं का सहयोग चाहिए ताकि इस ये बात दुनिया में पहुँच सके कि ओशो की विरासत को बचाया जा सके। हमने एक्चुअली कोर्ट का सहारा लिया हुआ है,
हमारी मुख्य लड़ाई कोर्ट में है, लेकिन हम सड़क पर भी 21 मार्च को आने वाले 21 मार्च को हम देश भर के कुछ कई हज़ार सन्यासी वहाँ पहुँच रहे हैं आश्रम पे, और उनसे मांग करेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं जो करते चले जा रहे हैं, इसका कारण बताइए। तो हम अपनी लड़ाई शांतिपूर्वक जो ध्यान और प्रेम ओशो ने सिखाया है करेंगे उसी के, लेकिन हम कानूनी दायरे में करेंगे, मगर हम अपनी मांगे मानना नहीं छोड़ेंगे, जो कि वो गलत कर रहे हैं वो हम आवाज़ उठाना नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू।